अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी है। कहानी का उन्वान है भयानक ख्वाहिश। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। यहाँ बताती चलूँ कि कहानी लिखने वाले ने यहाँ कहानी का कोई हवाला नहीं दिया और ना ही इसकी कोई हकीकत बयान की है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि वो कहानी क्या है। रात सखे बसता थी। घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद किए जा चुके थे। बड़े कमरे में आतिशदान दहक रहा था और बाप बेटा आमने सामने बैठे शतरंज खेल रहे थे। मिस्टर वाइट के बाल सफेद हो चुके थे और इसकी बीवी मिसेस वाइट का सर भी किचड़ी हो रहा था। वो अपने शौहर और बेटे के खेल से लातालुक आग के सामने बैठी स्वेटर बुन रही थी। वाइट ने प्यादे को आगे बढ़ाया। रिचर्ड जैसे इसी चाल का मुंतजर था। इसने मोहरा आगे करके बाप को शामात दे दी। लो बीवी, मैं ये बाजी भी हार गया। हिम्मत ना हारो, तीसरी बाजी खेलो। बूढ़ा वाइट शतरंज पर मोहरों को तरतीब दे रहा था कि बाहर का बड़ा गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। लो वो भी आ गया। वाइट ने मोहरे रख दिए और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। मिसेस वाइट ने कदरे दिलचस्पी के साथ अजनबी को देखा। वो एक लंबे कद का स्याही आंखों वाला आदमी था, सार्जन मेजर मोरिस। वाइट ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा। एक दूसरे के दरमियान हेलो हेलो का तबादला हुआ और मोरिस कुर्सी घसीट कर आतिशदान के सामने बैठ गया। वाइट ने गुफ्तगू का आगाज किया। 21 साल पहले जब तुम हिंदुस्तान गए थे तो तुम एक दुबले पतले नौजवान थे, मगर अब देखो तो। मोरिस हंसने लगा। हिंदुस्तान? तो आप 21 साल तक हिंदुस्तान में रहे? रिचर्ड ने पूछा। हाँ, मोरिस ने जवाब दिया। मेरा भी जी चाहता है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ, रिचर्ड ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। साधुओं, योगियों और फकीरों के देश में। मोरिस चुप रहा। वाइट ने इसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मोरिस कल तुम बंदर के एक पंजे का जिक्र कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन ना सका, क्या बात थी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मोरिस परेशान नजर आने लगा। बंदर का पंजा? मिसेस वाइट ने हैरत से कहा। हाँ, बंदर का पंजा, जिसके साथ जादू और तलसीम की एक हैरतनाक दास्तान वाबस्ता है। जादू, तलसीम? ओहो, क्या बात है, रिचर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मोरिस ने रिचर्ड की तरफ देखा और फिर अपने कोट की जेब से बंदर का पंजा निकाल कर अपने सामईन के सामने करते हुए बोला, ये बंदर का पंजा है, मगर तुमने ये कहाँ से लिया? हिंदुस्तान में एक जोगी से लिया था। वो अजीब और गरीब आदमी था, जैतधारी, गंदा और गलीस, मगर लोग इसके पीछे पीछे फिरते थे। ये पंजा इसने मुझे दिया था। इस पंजे की बदौलत तीन आदमी अपनी तीन ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। अब तक दो आदमी इस पंजे को आजमा चुके हैं। ये मामूली पंजा नहीं है। वाइट, रिचर्ड और मिसेस वाइट बड़ी तवज्जा से इसकी दास्तान सुन रहे थे। क्या वाकई बंदर किस पंजे की वजह से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी? हाँ, मगर सिर्फ तीन ख्वाहिशें, ये शर्त है। बूढ़ा वाइट ललचाई हुई नजरों से बंदर के पंजे को घूर रहा था। इसकी आंखों में हर्ष के शोलों की चमक आतिशदान के शोलों से कहीं ज्यादा थी। इसने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए तो ये बेकार हो चुका है, तुम अपनी तीन ख्वाहिशें पूरी कर चुके हो। अब आखिरी बार होगा जो भी कोई इससे अपनी ख्वाहिश को पूरी करेगा। ये पंजा किसकी तीन ख्वाहिशें पूरी करने के बाद बेकार हो जाएगा, है ना? तुमने ऐसे ही बताया था ना? हाँ, मोरिस ने जवाब दिया। फिर तुम इसे अपने साथ क्यों लिए फिरते हो, ना जाने क्यों? मोरिस ने जवाब दिया। मैंने सोचा था कि मैं इसे बेच दूंगा, मगर लोग बंदर के इस पंजे के करिश्मों पर यकीन नहीं करते, इसलिए कोई शख्स इसे खरीदने के लिए तैयार ना हुआ। और जो लोग तैयार हुए उन्होंने ये शर्त लगाई कि पहले वो बंदर के इस पंजे को आजमाएंगे और इसके बाद इसकी कीमत अदा करेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बेकार हो चुका है, वाइट ने कहा। हाँ। कमरे में खामोशी छा गई। आतिशदान में आग चल रही थी। मोरिस की नजरें शोरों पर गहरी थी और वाइट इसके हाथ में पकड़े हुए बंदर के पंजे को घूर रहा था। एकदम मोरिस के चेहरे पर
दहशत के मिले जुले असरात नजर आए और उसने बंदर के पंजे वाला हाथ आगे करके पंजे को आग में फेंकने की कोशिश की। वाइट ने उछल कर पंजा इसके हाथ से छीन लिया और चिल्लाकर बोला, क्या करते हो, काश तुम इसे जल जाने देते। मोल्स ने उदास लहजे में कहा, अगर तुम इसे अपने पास रखना नहीं चाहते तो मुझे दे दो। वाइट ने अपने दिल की बात कह दी, मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, मेरे लिए ये बेकार है। मोरिस ने कहा, याद रखो अगर इसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा तो इसका जिम्मेदार मैं ना होऊंगा, मुझको ना सुनाना, मुझे मंजूर है। वाइट का चेहरा मुसर्रत से चमकने लगा। वाइट तुम मेरे दोस्त हो, मेरा मशवरा मांगो, इसे आग में फेंक दो। नहीं, वाइट ने कहा, अब ये मेरे पास रहेगा मगर इसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किस तरह किया जाता है। इसे अपने बाएं हाथ में पकड़कर बुलंद आवाज से अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। मोरिस ने कहा, मगर तुम्हें खबरदार करता हूँ कि नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं अलिफ लैला की कोई तरसीमी कहानी पढ़ रही हूँ, मिसेस वाइट ने हैरत ज़्यादा सा होकर कहा। बात गुजरती जा रही थी, ये लोग बदस्तूर बैठे इश्तियाक से बातें कर रहे थे। बंदर का मंजा वाइट की कोट की जेब में था। रिचर्ड ने महसूस किया जैसे अब इस कमरे की फिजा पहले जैसी नहीं रही। इससे बोझलपन का अजीब सा नाकाबले फहम और नाकाबले ज़ाहिर एहसास हो रहा था। इनका मेहमान मोरिस अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, वाइट अब मुझे इजाज़त दो, मैं कल हिंदुस्तान चला जाऊँगा। खुदा करे तुम खुश हो खुदा मोर, मेरा भी ये मशवरा है कैसे जला दो, अपने पास नहीं रखो। वाइट ने कोई जवाब ना दिया, अपने बुरे दस्त का हाथ बढ़ाया और उसको साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो अकेला था। खुशी इसके चेहरे से टपक रही थी, आंखों में बेताबी और बेचैनी थी। रिचर्ड और मिसेस वाइट हैरत से इसे देखने लगे। वो कमरे के वस्त ने खड़ा होकर कहने लगा, अब मैं अपनी पहली ख्वाहिश का इजहार करने वाला हूँ। रिचर्ड परेशान बैठा, इसके दिल की धड़कने तेज़ हो चुकी थी। मिसेस वाइट ने कुर्सी की पूछ के साथ सर लगा लिया। वाइट ने जेब से बंदर का पंजा निकाला, इसे बाएं हाथ में पकड़कर अपनी नजरें इस पर गाड़ दी और कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि मुझे 200 पाउंड मिल जाए। अल्फाज के मुंह से निकले ही थे कि इसकी चीख निकल गई। इसकी बीवी हड़बड़ाकर इसकी तरफ भागी। रिचर्ड ने अपने बाप के सुन जिस्म को हिलाते हुए पूछा, डैडी क्या हुआ? ये चल रहा था, इसने घबराई हुई आवाज में कहा। बंदर का पंजा गिरकर फर्श पर जा गिरा था। जब मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो इसमें जान पड़ गई। ये मेरे हाथ में यूं सरसराने लगा जैसे सांप हो, मगर तुम्हारी ख्वाहिश कब पूरी होगी? मुझे तो कहीं 200 पाउंड नजर नहीं आ रहे। रिचर्ड ने कहा, बंदर का मुर्दा पंजा किस तरह हरकत कर सकता है? यह आपका वहम था, वो हाथ से छूट कर जमीन पर गिर गया था। हाँ हाँ, ये तुम्हारा वहम होगा, वैसे वाइट ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा वहम था? वाइट ने चिर कर कहा। रिचर्ड अपने बाप को आतिशदान के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। आग दहक रही थी। वाइट ने बैठने से पहले लरसते हुए हाथों से बंदर का पंजा फर्श से उठाया और फिर अपने कोट की जेब में रख लिया। इसका चेहरा जर्द और होंठ कांप रहे थे। बाहर हवा तेजी से चलने लगी थी और दरवाजों और खिड़कियों से टकराकर खौफनाक सा शोर पैदा कर रही थी। इसके शोर में दहशत थी। वो तीनों चुपचाप आग की तरफ मुंह किए बैठे रहे। इस खौफनाक रात की सुबह चमकीली और रोशन थी, मतला साफ हो चुका था। नाश्ते की मेज पर रिचर्ड रात के वाकये का मजाक उड़ाता रहा, मगर वाइट अभी तक जर्द नजर आ रहा था। मिसेस वाइट ने भी अपने शौहर के मिजाज को खुशगवार बनाने के लिए पुरुषगुप्ता जुमले कहे, मगर वाइट चुप बैठा रहा। रिचर्ड नाश्ते से फारिग होकर अपने कारखाने में जाने के लिए तैयार हो गया। घर से निकलते वक्त इसने अपने बाप से कहा, डैडी अगर आपकी ख्वाहिश मेरी अदम मौजूदगी में पूरी हो गई तो मेरा इंतज़ार करके पैसे खर्च करना। मिसेस वाइट ने हंसते मामू रिचर्ड के माथे को चूमा और इसे देर तक घर से निकलते और सड़क पर चलते देखती रही। जब वो नजरों से उझल हो गया तो अपने कामकाज में उलझ गई। एक घंटे बाद जब वो दोबारा वाइट के कमरे में आई तो इसी तरह बैठा था। इसने कुछ कहना चाहा मगर इसकी नज़र अपने घर के बड़े गेट पर जम गई। एक आदमी दाखिल हो रहा था। आदमी का कीमती लिबास बड़े खुश उसलूबी से सिला हुआ था।
मिसेस वाइट कमरे की तरफ गईं, अजनबी का इस्तकबाल किया और उसे अपने शौहर के पास ले आईं। अजनबी की नज़रें कमरे की चीज़ों को घूरती हुई वाइट के चेहरे पर जम गईं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपसे मिलूं। मैं आपके बेटे के कारखाने से आया हूं, मेरा मतलब है जहां वो काम करता है। बूढ़ी मिसेस वाइट का चेहरा सफेद पड़ गया, घबरा कर बोली, खैरियत तो है ना? रिचर्ड तो ठीक है ना? वाइट ने अपनी सफ़ेद भौंहों को ऊपर उठाकर अजनबी से कहा, तशरीफ़ रखिए, बैठ कर बात कीजिए। मुझे अफसोस है कि मैं, अजनबी ने गमज़दा लहजे में कहा और चुप हो गया। क्या रिचर्ड जख्मी हो गया है? कैसे, कोई हादसा पेश आया है? हाँ, वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है, मगर अभी से कोई तकलीफ़ नहीं है। ओह मेरे खुदा, तेरा एहसान तेरा शुक्र, मिसेस वाइट ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मगर इसकी नज़रें अजनबी के चेहरे पर पड़ी। अजनबी ने रंधे और खुश लहजे में कहा कि वो मशीन में फंस कर कुचला जा चुका है। मशीन में फंस गया? मिसेस वाइट लरसने लगी। वाइट ने जल्दी से इसे थाम लिया, सब्र करो सब्र, खुदा को यही मंजूर था। फिर नज़रें उठाकर अजनबी से कहा, रिजित, हम दोनों बूढ़ों की इकलौती औलाद थी, हमारे लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। अजनबी हल्के से उठा और कहने लगा, मुझे कारखाने के मालकान की तरफ से हिदायत दी गई थी कि मैं आप तक उनके जज्बात पहुंचा दूं। हम सबको रिचर्ड की मौत पर बहुत दुख हुआ। दोनों बूढ़े चुप रहे। बूढ़ी औरत का चेहरा, जिस्म और आंखों में आंसू थे। वाइट जैसे बहुत दुखी था, जैसे कह रहा हो कि खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी। इस हादसे की तमाम जिम्मेदारी खुद रिचर्ड पर आयद होती है, अजनबी ने कहा। इसकी अपनी गलती की वजह से इसकी मौत वाकई हुई है। इसके बावजूद कारखाने के मालिकों ने इसकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए कुछ रकम भेजी है। वाइट ने अपनी बीवी का बाजू छोड़ दिया। इसके चेहरे पर खौफ और दहशत की स्याही नजर आने लगी। इसके खुश लब कई बार कांपे और फिर इसने पूछा, कितनी रकम? 200 पौंड, अजनबी ने जवाब दिया। अपनी बीवी की चीख से बेखबर बूढ़े वाइट ने मदाहों की तरह अपने हाथ आगे बढ़ाया और गश खाकर गिर पड़ा। कब्रिस्तान घर से 2 मील के फासले पर था जहां रिचे दफनाया गया था। सब कुछ आनन फानन ही हो गया था। इनके दिमाग चकरा गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मगर जो जो वह गुजरता गया, वाइट और उसकी बीवी को एहसास होने लगा कि इनके बेटे की मौत एक इत्तफाकी हादसा ना थी, ये सब बंदर के पंजे की कारस्तानी है। बूढ़े जोड़े पर खामोशी छा गई। एक रात जब वाइट की आंख लगी ही थी कि अपनी बीवी की चीख सुनकर उठ बैठा। पंजा, वो चीख रही थी, बंदर का पंजा कहाँ है? क्या हुआ? बूढ़े वाइट ने पूछा। मुझे बंदर का पंजा चाहिए, मिसेस वाइट ने कहा। तुमने इसे जला तो नहीं दिया? नहीं, वाइट बोला, मेरी मेज की दराज में पड़ा है। हुआ क्या है तुम्हें? मिसेस वाइट पागलों की तरह हंसने लगी। मैं भी कितनी अहमक हूँ कि भूल ही गई थी तुम रिचर्ड के बाप हो, तुम्हें यह ख्याल क्यों ना सूझा? मगर मैं माँ हूँ, यह ख्याल पहले मेरे दिल में ही आना चाहिए था। मैं माँ हूँ ना? कैसा ख्याल, कौन सा ख्याल? अभी तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, अभी तुम अपनी दो ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। हाँ, बाकी दो ख्वाहिशें? क्या एक ही ख्वाहिश की तकमील हमारे लिए काफ़ी नहीं? बूढ़ा अब भी अपनी बीवी के ख्याल को ना पा सका। नहीं, इसके लहजे में जोश भरा हुआ था। अभी जाओ, बंदर का पंजा हाथ में लेकर इस ख्वाहिश का इजहार करो कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। बूढ़ा यूं ज़मीन पर बैठ गया जैसे किसी ने इसके शानों को दबा कर इसे बैठने पर मजबूर कर दिया हो। कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, वक्त ज़ाया ना करो, इसने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो जल्दी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। जाओ जाकर सो जाओ, बूढ़े ने कहा, तुम होश में नहीं हो, तुम जल्दी करो, मैं कुछ ना सुनूंगी। इसकी बीवी ने कहा, हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो सकता है, अगर एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? वो एक हादसा था, इत्तफाक था। नहीं, वो उसे घसीटने लगी, तुम्हें दूसरी ख्वाहिश का इजहार करना होगा, हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो सकता है, इससे मरे 10 दिन हो चुके हैं। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, हम तो इसे पहचानेंगे भी नहीं, तुम्हें याद है कि लोगों ने हमें आखिरी बार भी इसका चेहरा ना देखने दिया था,
वो मशीन में कुचला गया था। इसका चेहरा और उसके अज़ा टूट फूट गए थे। इसकी आवाज़ भड़कने लगी, तुम इस हालत में जिंदा देखकर मर जाओगी। नहीं, बुरी औरत ने चीख कर कहा, क्या कोई माँ अपने बच्चे से डर सकती है? कैसी बातें करते हो, इसे वापस लाओ, बंदर का पंजा इसे वापस ला सकता है। बूढ़ा लाजवाब होकर दूसरे कमरे में चला गया, जहाँ मेज का दरवाज़ा खोलकर इसने बंदर का पंजा बाहर निकाला। इसे छूते ही इसने यूँ महसूस किया जैसे सर्दी की तेज़ लहर इसके जिस्म में सरसराहट कर गई हो। तारीखी में वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो दरवाजे से टकरा गया। खौफ और दहशत से इसका जिस्म ठंडे पसीने से नहा गया। जब अपनी बीवी के पास पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी बीवी का चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा जर्द हो चुका था। बोलो, मांगो, वो चीखी। वो चुप रहा, जल्दी करो, वो फिर चलाई। इसने बंदर का पंजा हाथ में लिया और अफसरदा आवाज में बोला, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। बंदर का पंजा इसके हाथ में रेंगने लगा और फर्श पर जा गिरा। बूढ़ा कुर्सी में यूं धंस गया जैसे इसकी जान निकल गई हो। मिसेस वाइड आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तरफ बढ़ी। इसने खिड़की को खोल दिया और बाहर देखना शुरू हो गई। इसकी आंखें अपने बेटे के इंतजार में चमक रही थीं। आतिशनान में जलती हुई शमा का शोला बुझने से पहले आखिरी बार फड़फड़ाया और कमरे में तारीखी छा गई। मिसेस वाइड अपने शौहर के पास जा खड़ी हुई। दोनों चुप रहे। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ इनके दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अचानक बूढ़े ने दिया सलाई जलाई और मोमबत्ती लेने के लिए नीचे वाले कमरे में उतरने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दिया। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसने बड़े दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। वो यूं लड़ाया और दिया सलाई इसके हाथ से गिर पड़ी और अंधेरा फैल गया। वो बेहसो हरकत खड़ा दस्तक सुन रहा था। दस्तक फिर सुनाई दी, फिर तीसरी बार। ये कैसी आवाज़ है, बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा। हवा है, बूढ़ा बोला। नहीं, ये रिशद के हाथ की दस्तक है, बूढ़िया ने इश्तियाक से कहा। वो इसी तरह दस्तक दिया करता था। मैं इसकी दस्तक का मखसूस अंदाज नहीं भूल सकती। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर इससे पहले बूढ़ा दरवाजे के करीब पहुँच चुका था। बुझती हुई दिया सलाई की मधम लू में दरवाजे के बाहर शीशे से एक ऐसा चेहरा देख चुका था जो लरस देने वाला चेहरा था। मसला कुचला हुआ चेहरा। इसने जोर से अपनी बीवी का बाजू पकड़ लिया। क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलने दो, बुढ़िया ने चीख कर कहा। मेरा बेटा आ गया है, मेरा रिचर्ड आ गया है। वो अपने आप को छुड़वाने के लिए बूढ़े के साथ गुथम गुथा हो रही थी। मुझे दरवाज़ा खोलने दो, वो सर्दी में ठिठर रहा होगा। खुदा के लिए दरवाज़ा मत खोलो, बूढ़े ने लरसते हुए कहा। तुम अपने ही बेटे से खौफ ज़दा हो, बुढ़िया ने कहर आलूद लहजे में कहा। कैसे बाप हो तुम, रिचर्ड मेरे बेटे, रिचर्ड मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल रही हूँ। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी। कमरा तारीख था। बूढ़ी औरत ने पूरा जोर लगाकर अपने आप को बूढ़े की गिरफ्त से छुड़ा लिया। बूढ़ा इसके पीछे लपका। इसने दरवाजे की जंजीर खोलने की आवाज़ सुनी और फिर अपनी बीवी की आवाज़, चितखनी बहुत ऊंची है, मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता, इसे खोल दो। बूढ़ा इसकी आवाज़ सुनकर इसके पीछे भागा। वो दूसरे कमरे में जाकर तारीखी में ठोकरें खाता हुआ बंदर का पंजा तलाश कर रहा था। इसने इसी तलाश के दौरान कुर्सी घसीटने की आवाज़ सुनी। इसकी बीवी कुर्सी घसीट कर दरवाजे करीब रख कर और रिचित को देखना चाहती थी और चितखनी खोलना चाहती थी। फिर इसने कुर्सी के गिरने की आवाज़ सुनी और इसी वक्त इसका हाथ बंदर के पंजे पर गिर गया। इसने इसे जल्दी से उठाया, इसे अपनी बीवी का वावेला सुनाई दिया। जल्दी आओ वाइफ, चितखनी खोल दो, वो बाहर थेटर रहा होगा, मेरा बेटा। इसकी बीवी इसे आवाज़ें दे रही थी, चीख रही थी। बूढ़े ने अपनी बीवी को चीखो पुकार पर कान न धरा और बंदर के पंजे को हाथ में लेकर अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दस्तक की आवाज़ें फौरन बंद हो गईं। फिर बूढ़े ने चितखनी खोलने की आवाज़ सुनी। वो तेज़ी से अपनी बीवी की तरफ भागा, जो दरवाज़ा खोल कर बाहर देख रही थी। गली में खंभे का बल्ब पीली रोशनी बखेर रहा था। सुनसान और वीरान गली में एक साया नज़रों से उछल होता हुआ जा रहा था। बूढ़े की तीसरी और आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि उस कहानी में बताया गया है कि एक बंदर की पंजे से मदद ली जाती है, तो याद रखिए इस कहानी को महज एक कहानी की हैसियत से लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी को कुछ दुआ या कुछ भी मांगना हो तो उसके लिए मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपने परवरदिगार से मांगे। इसके अलावा अगर वो किसी और से मांगेगा तो शिर्क होगा। अल्लाह पाक हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।